गबन के मुकदमे के आरोपी की पत्नी ने खोला मोर्चा, मीडिया के सामने उजागर की आप बीती। जनपद फिरोजाबाद के टूरला की रहने वाली है पीड़िता भावना। पीड़िता भावना के पति मोहित पर रकाबगंज थाने में दर्ज है 406 का मुकदमा। भावना ने मीडिया के सामने की सच्चाई की उजागर। चार महिलाओं ने साजिश के तहत मोहित को फंसाने के बाद लाखों रुपए की है डेरिंग। चारों महिलाओं ने योजनाबद्ध तरीके से मोहित से वसूले लिखा पढ़ी में 35 लाख से ज्यादा की मोटी रकम। मोहित के पक्ष में पत्नी भावना ने व्हाट्सएप चैट फोटो और लिखा पड़ी में की गई रकम के दस्तावेज मीडिया के सामने रखे। आत्मदाह के कगार पर पहुंचा था परिवार। एडीजी जोन राजीव कृष्ण से पीड़ित परिवार लगाएगा न्यायिक की गुहार। दिल्ली से आगरा तक फैला है महिलाओं का रैकेट जाल। आजकल आप लोगों ने सुना होगा हनी ट्रैप, ये जो मेरा केस है कुछ इसी तरीके से है। ये चार पांच महिलाओं का एक संगठित ग्रोह है जो दिल्ली से लेकर आगरा तक चलता है। इसमें नीना दास नाम की एक लड़की है, औरत है जिसकी आयु कम से कम लगभग 50 से 55 वर्ष होगी, जो दिल्ली में रहती है। इसने मेरे पति से फ्रेंडशिप पे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसके बाद इनकी फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप होने के बाद इन दोनों के अच्छे संबंध बने। धीमे धीमे करके इन दोनों की बातें स्टार्ट हुई। बाद में नीना दास ने मेरे पति को ब्लैकमेल करके 2.5 लाख रुपये अपने पति के साथ स्टाम्प पर लिखवा कर लिए थे, जो मेरे पास एविडेंस है, जो मेरे पास लिखित में एविडेंस है कि हाँ, इनकी जो भी 2.5 लाख लिए हैं इन्होंने लिखा पढ़ी में लिए हैं। उसके बाद इन्होंने दिल्ली में विवेक विहार में एक झूठी तहरीर दी, जिसमें इन्होंने मेरे पति पर झूठा आरोप लगाया, जिसकी वजह से इन्होंने परिवार की झूठा आरोप लगाया और मेरे पति को बोला कि ये मुझे ब्लैकमेल करता है, मेरी गंदी फोटोज़ हैं, इसके पास मेरी वीडियो है जिसके द्वारा ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद जब हमें पता चला कि इन्होंने वहाँ पे एक झूठी तहरीर दी है, हमें बुलाया गया। उसके बाद हम वहाँ पे गए, हमें जब वहाँ जाके पूरी स्टोरी पता चली तो नीना दास का बोलना था कि मेरे इसके पति ने मुझे ब्लैकमेल किया है। ब्लैकमेल करने के बाद वो हम लोगों ने मेरे पति ने उसे ब्लैकमेल किया है और उससे पैसा मांगा है, ज़बरदस्ती वसूल किए थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे एक तहरीर दी झूठी, जब हमें पता चला तो हम वहाँ पे गए। सामाजिक इज्जत की खातिर और एक मेरे पति की बदनामी ना हो, उनकी इज्जत बनी रहे, इसके खातिर हमने थाने में जाके समझौता किया। जो समझौता हुआ वो 2.5 लाख 7 लाख रुपये का था, जिसकी मेरे पास ये है, ठीक है। उसके बाद जब इससे सारी इसका समझौता होने के बाद नीना दास से मेरे पति की फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई। फिर सन 2021 में नीना दास का मेरे पति के पास मैसेज आया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे 1 लाख रुपए दे सकते हो। मेरे पति ने मना कर दिया। उसके बाद इन्होंने फिर से एक FIR डाली थी, मतलब झूठा मुकदमा वहाँ पे दिया। उसके बाद जब इनका सब कुछ ख़त्म हो गया तो ये आगरा की रहने वाली रिश्का बिल्डानी के साथ आई। उन्होंने भी यही गेम खेला कि एक से पैसे लेने के बाद ये दोनों साथ में आए। रिश्का ने बोला कि मोहित शर्मा ने मेरे साथ बदतमीजी करी है, मुझे नशीले पदार्थ में घोल, मतलब पानी में घोल कर नशीला पदार्थ दिया गया है, जिसको पीने के बाद मुझे बेहोशी हो गई थी, मेरे साथ रेप किया, ये किया। ऐसे ही रिश्का ने भी पहले तो हम लोगों से, मतलब मेरे पति से पैसे लिए कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मतलब तुम मेरा ये कर दोगे वो कर दोगे। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।